बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध के पथ पे खुद को खोकर मिलता है मोक्ष का ज्ञान। प्रेम पथ पर सेवा कर ले तो बन जाता है इंसान। संघं युष्यन बुद्धा गच्छा। अभी अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के संदर्भ में जो बहुत दिनों से सालों से लड़ाई चल रही थी उसके बारे में निर्णय दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद को तोड़ने का जो काम हुआ है वो गलत था और वहाँ जो राम जन्मभूमि की जगह कह के रात का अंधेरे का सहारा लेकर कुछ लोगों ने जाकर श्री रामचंद्र प्रभु की वहाँ मूर्ति रख दी ये भी बात गलत थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उत्खनन किया तो उसमें कोई ऐसा इस्लाम का सिंबल नहीं मिला, परंतु बात यह है कि वहाँ श्री रामचंद्र प्रभु का भी सिंबल नहीं मिला। कोई सिक्का नहीं मिला, कोई शिलालेख नहीं मिला, कोई मूर्ति नहीं मिली, कोई महल नहीं मिला, फाउंडेशन नहीं मिला, पर केवल वो इस्लाम का कुछ नहीं मिला। इसके आधार पे उन्होंने श्री राम लला का ये जगह है ये ऐसा कह के उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बात अच्छी हुई इस दृष्टि से कि इतने सालों से जो पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था राम जन्मभूमि या अयोध्या और जय श्री राम मंदिर वही बनाएंगे ये बहाने से जो बातें चल रही थी पॉलिटिक्स में वो शायद अब की बार ख़त्म हो सकती है। कह नहीं सकते कि कहीं दोबारा कोई मथुरा की बात छेड़ दे, कोई काशी की बात छेड़ दे और यहाँ तक कि वो ताजमहल में वो तेजो महल था वो शिव मंदिर का मंदिर है इसलिए हमें वहाँ पूजा करने का अधिकार दो ऐसा कहने के लिए लोग वहाँ जा भी सकते हैं। हम ये भगवान से उनके और अपने खुदा से ऐसी उम्मीद करते हैं दुआ करते हैं कि वो ऐसी बात ना होने दे। यहाँ तक के बात तो बन गई। सवाल ये हुआ कि भारत में सबसे पहले जो ऐतिहासिक महापुरुष कहलाता है उसका नाम है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो बाद में बुद्ध बना लेकिन वो सिद्धार्थ गौतम जो पहला नाम था उनका। और इतिहास के लोग कहते सारे दुनिया के कि भारत का इतिहास भगवान बुद्ध के जन्म से ही शुरू होता है। उसके पहले कोई इतिहास लिखित नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता। भगवान बुद्ध का लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ वहाँ भगवान बुद्ध का स्तंभ बनाया, सम्राट अशोक ने वहाँ लिखा कि ही द बुद्ध जाते, यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ऐसा लिखा हुआ स्तंभ मिला। तब से लोग समझने लगे कि ये भगवान बुद्ध ऐतिहासिक महापुरुष है, तथागत महापुरुष है। और फिर एडविन अर्नोल्ड नाम का जो अंग्रेज लेखक था, कवि था, उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नाम की किताब लिखी और उसके द्वारा लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध नाम का, तथागत बुद्ध नाम का, सिद्धार्थ गौतम नाम का कोई महापुरुष भारत में पैदा हुआ जिसको उन्होंने लाइट ऑफ एशिया कहा, जबकि वो लाइट ऑफ वर्ल्ड है दुनिया का। परंतु एडविन अर्नोल्ड की महानता ये है कि उन्होंने वो बात सारे दुनिया तक फैला दी, यहाँ तक कि बुद्ध गया का मंदिर ये बौद्धों के कब्जे में होना चाहिए इसके लिए उन्होंने पत्र लिखे अंग्रेज सरकार को, ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को लिखे, तो ये उनकी महानता है। तो इस आधार पे हम जब देखते हैं तो सबसे पहले जो हमें प्रूफ मिलता है वो पाली साहित्य में मिलता है। पाली साहित्य में इस बात का प्रूफ मिलता है कि तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, लुम्बिनी कहाँ थी, कपिलवस्तु कहाँ थी, फिर सारनाथ कहाँ था, फिर वाराणसी कहाँ थी और फिर राजगिरी कहाँ था, फिर अपना कुशीनगर कहाँ था। ये सारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है अगर आप जाते हैं तो वहाँ लुम्बिनी भी मिलती है, कपिलवस्तु भी मिलती है, वहाँ जाते आप
तो वहाँ सारे के सारे जो हमारे साधन है, अवशेष है, नालंदा मिलती है, राजगिरी मिलता है, कुशीनगर मिलता है, सारनाथ मिलता है, धम्म एक स्तूप मिलता है, और फिर अजंता, एलोरा, कार्ले और भाजे, नाना प्रकार के जो बाग है, सारे के ताबो है, ये तमाम बातें मिलती हैं। तो ये बात सिद्ध करती है कि हमारा तथागत बुद्ध जो है ऐतिहासिक महापुरुष है, ये पौराणिक महापुरुष नहीं है, ये काल्पनिक महापुरुष नहीं है, ये कथा कादंबरी का विषय नहीं है। ये दृष्टि से हम इस बात के तरफ देखना चाहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दुख ये है, खुशी की बात है, हमारे एक आँख में आंसू और एक हाथ में खुशी है। खुशी इस बात की है, उसका आंसू इसलिए है कि चलो ये धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा था, खून खच्चर हो रहा था, और इतने दिनों से मुसलमान और भारतीय हिंदू भाइयों में दरी पैदा कर दी जा रही थी, वो शायद इससे ख़त्म हो जाएगी, इस बात की बहुत खुशी है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन भी करना चाहिए, उन्होंने जो जजमेंट दिया उसका अभिनंदन करना चाहिए। लेकिन दुख की बात दूसरी ये है हमारे लिए, प्रॉपर बौद्धों के लिए, कि यूएन संघ ने जाके लिखा है, सातवीं शताब्दी में जो आया था हर्षवर्धन के ज़माने में, उसके पहले इत सिंह आए, फाइयान आए, कई लोग आए, और उन्होंने अपने किताबों में लिख के रखा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, वहाँ गए, वो देखा, वहाँ उन्होंने देखा कि कपिलवस्तु कहाँ है, बुद्ध गया कहाँ है, सारनाथ कहाँ है, राजगिरी कहाँ है, नालंदा कहाँ है, पाटलिपुत्र कहाँ है, और ये सारी जगह देखकर उन्होंने अपना प्रवास वर्णन लिखा है। सारे दुनिया में वो प्रमाण माना जाता है। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये जो अयोध्या है, ये अयोध्या के बारे में सारे लोगों में अलग अलग तरह की बातें हैं, परंतु ये बौद्धों का जो पक्ष है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया। और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बौद्धों का पक्ष नहीं आता, और कंपैरेटिवली हिंदू और मुस्लिम और बौद्ध, ये तीनों विषयों को एक जगह सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता है, तब तक के हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम वालों की बात सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने श्री रामचंद्र प्रभु की बात सुनी, लेकिन तथागत बुद्ध की बात नहीं सुनी। और इसके लिए हमारे पास प्रमाण है, ऐतिहासिक प्रमाण है। उन्होंने ऐसे कोई प्रमाण नहीं दिए है। उनको जो पूछा गया कि आप इसका प्रमाण दो कि आपका मंदिर क्यों है ये, तो उन्होंने कह दिया नहीं, एक बहुत बड़ी आग लगी थी और उसमें सारे के सारे हमारे सबूत जल गए। फिर मुसलमानों ने भी उनकी जो होंगे सबूत दिए, परंतु उन्होंने कह दिया कि नहीं, वहाँ जो उत्खनन हुआ वहाँ कोई इस्लाम का मुस्लिम का कोई एविडेंस नहीं मिला। हम इस बात को आपके सामने लाना चाहते हैं, और ये चर्चा की बात नहीं है, ये बड़े सोच विचार की बात है। केवल एक एंकर आए हैं या कोई चैनल के लोग आए हैं और उनके सामने हम बात कर दी, पॉलिटिक्स के कर दी, सामाजिक कर दी, धार्मिक कर दी, उस तरह की नहीं है। क्योंकि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर लड़ना चाहते हैं, कानून के आधार पर चलना लड़ना चाहते हैं, और संविधान के मातहत लड़ना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट सुने, और तब तक के वो निर्णय ना हो किसकी ज़मीन क्या है, और ये कितनी ज़मीन 5 एकड़ किसको दे दी और कितनी ज़मीन इनको दे दी, इन बातों को तब तक के रोके रखे जब तक के बौद्धों की बात नहीं सुनी जाती, और बौद्धों की बात सुनी जाने के बाद फिर वो ये निर्णय दें। हम इस बात का दावा नहीं करेंगे कि वहाँ हमको कोई भी हालत में बुद्ध का ही मंदिर बनाना है। हम इस बात का दावा नहीं करेंगे कि वहाँ हमारे किसी धर्म की प्रतिमा वहाँ खड़ी करनी है। हम उसको हमारे भारत के राष्ट्रीयता के सेकुलरिज्म के दृष्टि से, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टि से कहेंगे कि वहाँ एक नालंदा की तरह महान विद्यापीठ बना जाए, और वहाँ इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इन तमाम धर्मों का अध्ययन अध्यापन हो, और सभी के दिलों में एक दूसरे के धर्म के प्रति प्रेम की भावना निर्माण हो, ये बात हम मांग करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि हमारा ये हक है
कि हमारी बात सरकार ने भी सुननी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुननी चाहिए, और इसके बारे में हम आपके सामने कुछ बातें पढ़ के सुनाना चाहते हैं ताकि ये बात हवा हवाई ना हो जाए कि हमारे मन में आ गया और हमने बोल दिया। ऐसी बात नहीं होगी। आस्था का सवाल नहीं है। उन्होंने आस्था के नाम पे ये लड़ाई जीती है। उन्होंने कहा कि ये बात कानून की नहीं है। हमारी आस्था है कि भगवान श्री राम का जन्म यही हुआ है। वसंतराव साठे नाम के नागपुर के वो एडवोकेट थे, वो समाजवाद पार्टी के भी नेता थे, बाद में जाके वो कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने और इंदिरा गांधी जी के साथ मिनिस्टर भी बने। उन्होंने कहा एक बार भाषण में नागपुर में कि मैं बोले मैं अयोध्या में गया और वहाँ देखा तो 100 मंदिर ऐसे है कि जहाँ ये वहाँ का पंडित जो है पुजारी है पंडा है वो कहता है कि यही मेरे मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। अब बोले 100 मंदिरों में एक माता अपने बेटे को कैसे जन्म दे सकती है, ये वसंतराव साठे नाम के ब्राह्मण आदमी ने कही है। और दूसरे तरफ आप देखते हैं तो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और पाली साहित्य भी कहता है, महावंश भी कहता है, और वहाँ उन्होंने लिखा है कि ये भगवान सिद्धार्थ का जन्म यहाँ लुम्बिनी में हुआ है। और जब ये बात चली कि सूर्य का रूपक कहते थे भगवान बुद्ध को, जब ये लुम्बिनी में शिलालेख मिला सम्राट अशोक का जो आज भी खड़ा है वहाँ, तब नेपाल के सरकार ने सारे दुनिया के हिस्टोरियन को बुलाया, इतिहासकारों को बुलाया, आर्कियोलॉजिस्टों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, और वहाँ कार्बन की टेस्ट करके वहाँ ये सिद्ध किया कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ। ऐसी बात यहाँ अयोध्या में नहीं हुई। जो भगवान बुद्ध के जन्म का आधार एविडेंस देने के लिए नेपाल सरकार ने की, वो हिंदू सरकार हिंदू राष्ट्र कहलाने वाले नेपाल ने की, वो बात सेक्युलर कहने वाले भारत ने नहीं की। ये बात हमको ध्यान में रखना होगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। पैगंबर साहब का जन्म कहाँ हुआ इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ कोई विवाद नहीं है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ कोई विवाद नहीं है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ उसके भी बारे में कोई विवाद नहीं है। केवल विवाद जो है वो श्री रामचंद्र प्रभु के बारे में है, और इस बैकग्राउंड पे हमको इसको देखना होगा। ये माना जाता है कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में अक्सर यह देखा जाता है कि भारत के असली इतिहास को दंत कथाओं के तौर पर देखा जाता है, यानी पौराणिक तौर पे। हमारे पुराण में लिखा है, हमारे पुराण में ये लिखा है, हमारे उपनिषद में ये लिखा है, हमारे रामायण में ये लिखा है, हमारे महाभारत में एक लिखा है। अब ये रामायण और महाभारत जो है और पुराण जो है ये काल्पनिकता पे आधारित है। रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल महाकाव्य कहलाते हैं। और इस दृष्टि से कहा जाता है कि दंत कथाओं के तौर पे देखा जाता है, बताया जाता है, और इसके बराबर विपरीत जो भूतकालीन रंजनात्मक कथा कहानियाँ हैं दंत कथाएँ हैं उनको इतिहास के तौर पर बताया जाता है और माना भी जाता है। आज हम देखते हैं आपके सोशल मीडिया में सारी की सारी कथाएं हनुमान से लेकर तो विष्णु भगवान और सब भगवान श्री अपने शंकर देव जितने भी देव हैं रावण राम सत्य सभी का इतने जोरों से दिखाया जा रहा है, तो वो दंत कथा है कहलाती है। और इसलिए इसका मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता इतिहास को मानने के लिए तैयार नहीं है, या तो उसको ऐसा मानने से भ्रमित किया जाता है। इनमें बहुसंख्य तथाकथित बुद्धिमान और उच्च विद्या विभूषित पढ़े लिखे लोगों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इतिहास को इतिहास मानने के लिए तैयार नहीं है। और तो और सामान्य जनता को इतिहास को सामान्य जनता को इतिहास को इतिहास बताने या उनके सामने रखना नहीं चाहते हैं। अब आप देख लीजिए कि ये सच्चाई जो है वो इसका वर्णन यहाँ है कहना चाहते हैं। अपना
इस बहुसंख्य तथाकथित बुद्धिमान और उच्च विद्या विभूषित पढ़े लिखे लोगों की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इतिहास को इतिहास मानने के लिए तैयार नहीं है और तो और सामान्य जनता को इतिहास को बताने या उनके सामने रखना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि आस्था का सवाल है, इसको हम पुरावा नहीं देंगे। लेकिन दूसरी तरफ ताजो महल को तेजो महल कहते, ताजमहल को, और कहते हैं कि ये एक ज़माने में शिव मंदिर था और उसके लिए ये पुरावे हैं, ये एविडेंस है। एक तरफ आप आस्था की बात करते हो और दूसरे तरफ एविडेंस की बात करते हो, तो एविडेंस तो आपके सिद्ध होने चाहिए ना। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हम ये कहना चाहेंगे कि किसी देश की संस्कृति और सभ्यता को समृद्ध एवं वैभवशाली गौरवशाली बनाना हो तो उस देश की जनता ने, विशेषकर बुद्धिजीवी वर्ग ने, इतिहास को इतिहास और दंतकथाओं को दंतकथा यही मानना चाहिए और समाज के सामने रखना चाहिए। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने एक प्रवचन के दरमियान कहा, सत्य को सत्य की तरह जानो और असत्य को असत्य की तरह जानो। लेकिन भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में इस संदर्भ में वस्तु स्थिति पूर्णतः विपरीत है, जो बहुत बड़ी विडंबना है। इतिहासकार लाल बहादुर वर्मा कहते हैं, वो असुरक्षित वर्तमान और अनिश्चित भविष्य के लिए अनिश्चित भविष्य के बीच पीसती जनता को, अतीत गोरा हो या काला उसे क्या लेना देना, सभी तो वह इतिहास को गड़े मुर्दे उखाड़ना कहती है। इतिहास की किताब किसी मशहूर कब्रिस्तान की गाइड लगने लगती है, ऐसे ही इतिहास को छात्रों को हिस्ट्री बेवफा लगती है। आगे चलते वर्मा कहते हैं, वैदिक आडंबर से त्रस्त जनता को जब तथागत बुद्ध ने सरल और सुगम माध्यम मार्ग की सूझ दी तो भारत के कोने में बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं सम्मं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि की गूंजते स्वरों में वैदिक मंत्र डूबने लगे। अशोक की प्रियदर्शिता ने ऐसे लोक धर्म को जन्म दिया जिससे पुरानी मान्यताएं खतरे में पड़ गई, गाथाओं का जाल बुना गया और बुद्ध विष्णु के अवतार बना दिए गए। जब तक बुद्ध की ऐतिहासिकता वास्तविकता का पता चला तब तक बौद्ध धर्म भारत से समाप्त हो चुका था। ये बात वस्तु स्थिति है और ये आधार पे ये भाषम नाम का जो दूसरा लेखक है, यही किस्सा बुद्ध भूमि साकेत बनाम राम जन्मभूमि अयोध्या के संदर्भ में हुआ है। दुनिया के महानतम बहुसंख्य इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि भारत के विश्वसनीय इतिहास की शुरुआत भगवान शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के कालखंड से होती है। अर्थात शाक्य मुनि बुद्ध ही भारत के प्रथम ऐतिहासिक महापुरुष हैं जिनका ऐतिहासिक कालानुक्रम शिष्टबद्ध ढंग से लगाया जा सकता है। शाक्य मुनि बुद्ध के बाद मौर्यों के इतिहास से और ज़्यादा स्पष्ट ऐतिहासिक कालानुक्रम होते जाता है। और आगे वो कहते हैं प्रोफेसर भाषम, इट इज़ द 6th century BC that Indian history emerges from legends and dubious traditions. Now for the first time we read of great kings whose historicity is certain and some of whose achievements are known, and from now on the main lines of India political development are clear. यानी भगवान बुद्ध के आने के बाद ही जो काल्पनिकताएँ हैं वो उनको विराम मिल जाता है और आने वाले दिनों में भारत के जो ऐतिहासिक महापुरुष थे उनके बारे में सच्चाई लोगों को पता चलने लग जाती है। और यही बात जो आगे चल के हम देखते हैं तो और भी इसके बहुत प्रूफ है कि जो जैसे कि यूएन संघ की बात हमने की है, यूएन संघ के बारे में उन्होंने किया और उसके पहले मौर्यों की बात आती है, मौर्य तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है, चाणक्य की बात आती है। मौर्यों के और बुद्ध के इतिहास से पहले की घटनाएं बहुत ही धुंधली सी और एकदम अस्पष्ट है, जो प्राचीनता की गहरे अंधेरी में खाई अंधेरी खाई में दफन है।
जिसके बारे में निश्चित और विश्वसनीय तौर पर छाती ठोक कर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इतना स्पष्ट और तार्किक तथ्यों पर साकेत उर्फ अयोध्या का इतिहास होने के बावजूद वहाँ आस्था, श्रद्धा, भावना, विश्वास एवं उपासना के नाम पर अधार्मिक अतिक्रमण एवं सांप्रदायिक अत्याचार किया जा रहा है। यह बात किसी भी सत्सद विवेक बुद्धि वाले इंसान को गहरा सदमा पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। यानी ये वास्तविकता है जो आगे चल के हमारे सामने आ जा रही है। और आगे चल के हम देखते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि ब्राह्मणी और पौराणिक साहित्य में जिस प्राचीन उत्तर भारतीय नगर को अयोध्या कहा गया है, अब हम मुद्दे पे आ रहे हैं, अयोध्या कहा गया है उसी को बौद्ध साहित्य में प्राचीन समृद्ध साकेत नगरी कहा गया है। ये जो अयोध्या है इसका ओरिजिनल नाम जो है वो बुद्ध के ज़माने में साकेत है। जैसा कि हमने इसके पहले देखा है कि भारत के ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत शाक्य मुनि बुद्ध से होती है, तभी से लेकर ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण पर आने वाले चीनी धम्म यात्री पूजनीय भदंत यूएन संघ तक और उसके कई वर्षों बाद तक अयोध्या में राम मंदिर होने का धुंधला सा भी उल्लेख नहीं आता, ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत यूएन संघ अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं, देयर आर अबाउट 100 संगरामाज मोनेस्ट्रीज इन द कंट्री यानी इंडिया एंड 3000 प्रिस्ट मीन्स मॉन्क्स भिक्खु हु स्टडी बोथ द बुक्स ऑफ द ग्रेट एंड द लाइफ लिटिल व्हीकल हीनयान एंड महायान, दो तरह के ग्रंथ। देर आर 10 टेम्पल्स हेरेटिक्स एंड डिफरेंट स्कूल्स आर फाउंड इन देम बट फ्यू इन नंबर इन द कैपिटल इन द ओल्ड संघाराम इट वॉज इन द प्लेस दैट वसुबंधु बोधिसत्व ड्यूरिंग ए सोरजन ऑफ सेवरल डिकेड्स ऑफ ईयर्स कंपोज वेरियस शास्त्रास बोथ इन द ग्रेट एंड लाइफ व्हीकल्स बट द साइड ऑफ इट आर सम रूइन फाउंडेशन वॉल्स दिस वॉज द हॉल इन विच वसुबंधु बोधिसत्व एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एंड प्रीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द किंग्स एंड डिफरेंट कंट्रीज एमिनेंट मैन ऑफ द वर्ल्ड श्रमणा एंड ब्राह्मणा। तो ये असुबंधु जो है ये महान लॉजिशियन माना जाता था, नैयायिक, कि जिसने वहाँ रहकर वो अपने ग्रंथ लिखे हैं जिसका उन्होंने उल्लेख किया है। और टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी 40 ली बाय द साइड ऑफ द रियर गैंजेस इज ए लार्ज संगारामा इन विच ए स्तूपा अबाउट 200 feet हाई विच वॉज बिल्ट बाय अशोका राजा। या वहाँ उन्होंने कहा कि गंगा के किनारे पे उन्होंने संगाराम जो है उसके बाजू में ऐसा एक जगह है कि जहाँ 200 फीट हाइट ऊंचा एक अशोक राजा ने स्तूप बनाया था। इट वॉज हियर दैट तथागता एक्सप्लेन द एक्सलेंट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन एंड देवाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 months। भगवान बुद्ध ने वहाँ 3 महीने का वर्षावास किया था और देवों के लिए और आदमियों के लिए लोग सर सुर और अमर इन दोनों के लिए उन्होंने अपना ज्ञान बताया था। तो इस तरह से उन्होंने इसका उल्लेख किया है कि किस तरह से ये शास्त्रा की जगह थी कि जहाँ स्वतांत्रिक स्कूल के जो विभाषा शास्त्र का नाम का ग्रंथ है वो ग्रंथ वहाँ लिखा गया था, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। अब सवाल आता है कि अपने जो विख्यात इतिहासकार हैं वो इसके बारे में क्या राय देते हैं। वहाँ अनेक बौद्ध संगाराम और स्तूप होने का उल्लेख चीनी धम्म यात्रियों ने अपने वृत्तांत में किया है। साकेत नगरी में खुद शाक्य मुनि बुद्ध अनेकों बार निवास करने का उल्लेख बौद्ध साहित्य में आता है। बुद्ध के समय से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक किसी भी विदेशी पर्यटकों के वृत्तांतों में अयोध्या में राम मंदिर होने का उल्लेख नहीं किया गया है।
अंडरलाइन करने लायक बात है कि किसी भी पर्यटक यात्रा वृत्तांत में अयोध्या में राम मंदिर होने का उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही वह राम जन्मभूमि होने का दावा किया गया है। इस संदर्भ में हंस बकर नामक विश्वविख्यात इतिहासकार अपने द राइज ऑफ अयोध्या एंड प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज नामक शोध निबंध में निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए कहते हैं, अयोध्या दैट इज यूपी इज ए प्लेस मोस्ट वेनरेबल एंटीक्विटी एंड इज सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द इंडिया सेवन होली दैट इज रिडेम्पशन गिविंग सिटीज येट सच फैक्टर्स प्रोवाइड डू नो एडिक्वेट ग्राउंड्स नो एडिक्वेट प्रोवाइड नो एडिक्वेट ग्राउंड्स फॉर एजम्पशन दैट इट हैज बीन ए सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशंट टाइम्स। प्राचीन समय से ऐसा कोई सबूत नहीं है कि जिसके आधार पर कहा जाए कि वहाँ कोई ऐसा तीर्थ क्षेत्र था तीर्थ था। और आगे कहते हैं, वेदर अयोध्या ऑल्सो फाउंडेड एज ए इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन कैन नॉट बी एसरटेन्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ दोज टू हेट्रोडॉक्स बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशंस हेट्रोडॉक्स ऑल्दो इट हैज़ बीन एज्यूम दैट द फेनोमेनन ऑफ पिलग्रिमेज एग्जिस्टेड इन द टाइम ऑफ द बुद्धा नाइदर इन द महाभारत नॉर इन रामायण इज अयोध्या मेन्शन एज ए तीर्थ होली प्लेस। बुद्ध की तो बात अलग, बौद्ध धर्म के साहित्य की तो बात अलग, लेकिन रामायण और महाभारत में भी इसका इस तरह से उल्लेख नहीं है कि ये जगह पवित्र तीर्थ क्षेत्र है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इस बात पे आए हैं कि ये जगह जो है श्री रामचंद्र प्रभु के नाम से सिंह के ज़माने से फाइयन के ज़माने से ह्यूनसन के ज़माने से और सम्राट अशोक के ज़माने से भी राम जन्मभूमि के नाम से पवित्र भूमि के नाम से नहीं जाना जाता था। और आगे हम आगे आएंगे तो ये बहुत बड़ा विषय है। जनरल कनिंगहम के मतानुसार फाइया ने जिस शैची और यूएन संघ ने वर्णित की हुई विशाखा वाटर्स के अनुसार विशोक यह दोनों नाम साकेत नगरे के ही होकर आज के अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं यह दोनों नाम साकेत नगरी के ही होकर आज के अयोध्या के नाम से ही जाने जाते हैं। धनदेव और विशाखदत्त इन अक्षरों से अंकित की गई मुद्राएं अशोक अयोध्या अर्थात साकेत में ही मिली थी। साथ ही धनंजय और विशाखा का परिवार साकेत नगरी में ही विख्यात था। इनके नामों का पुनरुच्चार और विशाखा का महात्म्य ध्यान में रखकर स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसके नाम पर ही अयोध्या या साकेत नगरी विशाखा कहा गया होगा। यह निष्कर्ष कनिंगहम ने निकाला था। इतना ही नहीं विशाखापट्टन नामक समुद्री बंदर भी विशाखा के ही नाम पर रखा गया होगा ऐसा माना जाता है। डॉक्टर स्मिथ भी फाइयान के शैची को ही साकेत नगरी मानते हैं। इस साकेत शैची में फाइयान खन्नौज में होते हुए आया था। उसने साकेत में भगवान बुद्ध की दंतकुचिका की गीली लकड़ी से तैयार हुए पेड़ का वर्णन किया है। फाइयान के दो शतक बाद आए हुए ह्यूएन संघ ने भी इस पेड़ का उल्लेख किया था। दोनों ने ही 20 और 100 बौद्ध विहारों में साकेत में निवास करने वाले भिक्षुओं की संख्या 3000 तक होने की बात लिखित रूप में लिखी है। महापंडित राहुल सांकुत्यायन ने भी साकेत को ही अयोध्या माना है। वे लिखते हैं, कोसल राजा ने श्रावस्ती में 7 योजन के ऊपर साकेत अयोध्या नगर में उसे धनंजय को बसा दिया। साकेत अयोध्या जिला फैजाबाद उत्तर प्रदेश श्रावस्ती और साकेत का फासला थोड़ा था। प्रोफेसर दामोदर कौशाम्बी के मतानुसार पुराना मुख्य नगर साकेत था। यह साकेत वही परंपरागत पारंपरिक अयोध्या अभेद्य नगरी है
भिक्षु मंडली साकेत फैजाबाद होते हुए श्रावस्ती पहुंची। डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय भी आधुनिक अयोध्या को ही बुद्धकालीन साकेत मानते हैं। इसके लिए थेर गाथा अट्ठ गाथा में भी बताए गए गौम पति की कथा का आधार लेते हैं। साकेत के पास ही अंजनवन था और उसी से सटकर सरभू यानी सरयू नदी बहती थी, जिसे वर्तमान में घाघरा नदी भी कहा जाता है। सरयू यह घाघरा की उपनदी है। आज भी अयोध्या को स्पर्श करते हुए घाघरा नदी जहाँ से बहती है उसे सरयू या सरजू नाम से पहचाना जाता है। यह सरयू नदी बहराइच गोंडा जिले के पास घाघरा नदी से समाहित नदी में समाहित होती है। आज के अयोध्या भी सरयू नदी के किनारे बसी है। अतः आज की अयोध्या ही फैजाबाद तक की साकेत है। इस बात को मानने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। इस बात की पुष्टि राहुल सांकुट्यान करते हुए कहते हैं, साकेत यानी कि अयोध्या में बुद्ध के समकालीन प्रसेंजित का एक राजमहल जरूर था। सरयू तट पर बसा साकेत पहले भी नव व्यापार का ही नहीं बल्कि स्थल व्यापार का भी भारी केंद्र था। अब सवाल यह है कि नाम किसने बदला? तो पुष्यमित्र शुंग और साकेत। ये पुष्यमित्र शुंग जो है ये सम्राट अशोक का जो नवासा था बृहद्रथ, उसका ये सेनापति था। हाँ, विदिशा का ब्राह्मण था और इसने धोखे से वो बृहद्रथ का खून किया और खुद राजा बन बैठा। और उसने वैदिक परंपरा से ये बौद्ध धर्म का नाश कर वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सम्राट अशोक का पोता बृहद्रथ ईस्वी सन 184 का खून करने के पश्चात भी पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य को काबिज न कर सका। संपूर्ण पंजाब ग्रीक राजा मिलिंद मिनेंडर के अधिपत्य में चला गया। उसने साकेत को भी घेर लिया था, ऐसा शुंग के ब्राह्मण पुरोहित पतंजलि ने लिख रखा है। दो बार अश्वमेध यज्ञ करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने साकेत को राजधानी का दर्जा दिया हुआ था। उसके शासनकाल में प्रारंभ में साकेत का खास महत्व था। डॉक्टर भटनागर कहते हैं, गुप्त राजा ने पाटलिपुत्र को छोड़ अयोध्या यानी कि साकेत को ही अपनी राजधानी बनवाई थी। इसी साकेत नगरी में संस्कृत कवि कुलगुरु महाकवि भदंत अश्वघोष को जन्म देकर अपने कंधे पर खिलाया था। अश्वघोष की माता सुवर्णाक्षी साकेत कन्या थी। आर्य सुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य भिक्षुराचार्यस्य भदंत अश्वघोषस्य महाकवेर महावादिनः। साकेत निवासी आर्य सुवर्णाक्षी पुत्र महाकवि महावादी भिक्षु जो अपने तेज से सूर्य समान प्रकाशित करने वाले महाकवि अश्वघोष को प्रस्तुत करने का ह्यूयन संघ लिखते हैं, गंगा नदी पार कर अयोध्या प्रवेश में प्रवेश किया। इस प्रांत की कीर्ति से अयोध्या अब दीप्यमान थी। बौद्ध धर्म के विज्ञानवाद के आद्य प्रवर्तक शहर के नैऋत्य दिशा में 2 मील दूर विहारों में दोनों बंधु 200 साल पहले रहते थे। वही धर्म तत्व ज्ञान का पठन पाठन करते थे। वे गंधार से आए हुए पठान बंधु थे। असंग ने महायान का स्वीकार किया तो वसुबंधु हीनयानी रहा। उसके विचार प्रवर्तन के संबंध में यूएन संघ लिखते हैं, उस महान विज्ञानवादी असंग ने अयोध्या के पास अमराई के विहार में वसुबंधु से भेंट की। असंग वसुबंधु को बिहार की छत पर ले गए जहाँ से बहती हुई सरयू नदी स्पष्ट दिखाई देती थी। चंद्रमा अपनी धवलता लिए हुए सरयू के स्वच्छ हृदय में प्रतिबिंबित हो रहा था। सरयू के निर्मल प्रवाह में प्रतिबिंबित हो रहे चंद्र प्रकाश में वसुबंधु का साक्षात्कार हुआ। इसी अयोध्या में उम्र के 83 साल में वसुबंधु का परिनिर्वाण हुआ। कहने का मेरा मतलब यह है कि राहुल जी ने इस बात को कहा और ये बाकी लोगों ने भी कहा, और राहुल जी और डॉक्टर फ्राउल वार्नर के मतानुसार वसुबंधु नरसिंह बालादित्य गुप्त युवराज के राजगुरु थे।
परंतु राहुल जी के मतानुसार वसुबंधु मातृभूमि को लौट गए थे। भदंत वसुबंधु अयोध्या में सम्मानित गुरु के तौर पर कई साल रहे, पीछे गुप्तों की नीच भावना से निराश होकर अपनी जन्मभूमि पुरुषपुर यानी पेशावर को लौट गए। यूएन संघ लिखते हैं, अयोध्या के पुराने संगाराम में वसुबंधु ने अनेकों ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। उसी संगाराम में सटी इमारतों की नींव में नींव के भग्नावशेष मिलते हैं। इसी सभा मंडप में वसुबंधु धम्म प्रवचन किया करते थे। शहर की उत्तर दिशा में 10 मील दूर बड़ा संगाराम है, जिसमें अशोक निर्मित 200 फीट ऊंचा भव्य स्तूप है। यही बुद्ध ने धर्मोपदेश किया था, इसलिए अशोक ने यहाँ स्तंभ का निर्माण करवाया। इसी संगाराम की पश्चिमी ओर 1 से 1.5 मील दूर एक स्तूप है, जिसमें बुद्ध के केश और नाखून जतन करके रखे गए हैं। यही पर बौद्ध पंडित श्री लब्ध ने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। अयोध्या में यूएन संघ को सौ विहार की और हीनयानी और महायानी 3,000 भिक्कू दिखे थे। उपरोक्त यूएन संघ कृत वर्णन में साकेत, अयोध्या और सरयू नदी का उल्लेख अत्यंत सजीव है। इसमें सभी स्तूप एवं विहारों की संगति विस्तृत विवरण और विवेचन करने का महत् कार्य जनरल कनिंगहैम ने अपने अयोध्या के उत्खनन से किया है, और यह सभी विश्लेषण एवं निष्कर्ष आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में लिपिबद्ध कर जतन कर रखे हैं। अब ये बुद्धकालीन जो अयोध्या है, इसके बारे में बार बार जो सवाल आता है, इसलिए आना चाहिए कि पहले तो बात तय हो जाए कि वो जगह कौन सी है, किसकी है और कब की है। और इसलिए बुद्ध काल के पूर्व में भी साकेत नगरी विद्यमान थी, यह स्पष्ट होता है। वही आधुनिक काल में अयोध्या नाम से प्रचलित है, मगर प्राचीन बौद्ध साहित्य में साकेत के साथ अयोध्या नाम से भी दूसरा गांव गंगा के किनारे में अस्तित्व में था। संयुक्त निकाय में फेन सूत्र में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। अयोध्या में बुद्धोपासकों ने गंगा के किनारे पर विहार की निर्मिति करके वह बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान करने का प्रमाण मिलते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सरयू के किनारे जो नगर बसाया गया था वह साकेत नगरी थी, और बुद्धकालीन अयोध्या और आज की अयोध्या ये दोनों अलग अलग स्थान है। बुद्धकालीन अयोध्या गंगा के किनारे पर थी, और ये अयोध्या सरयू के किनारे पर है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि साकेत ही अयोध्या है और साकेत ही सरयू के किनारे है, और राम की गंगा जो है गंगा के किनारे पे है, वो छोटा गांव है। लेकिन ये जो साकेत है इसको अपने पुण्यमित्र शुंग ने राजधानी बना दिया और उसका नाम अयोध्या रख दिया गया। यहाँ तक के हम आए हैं, और आगे हम देखते हैं कि अब ये रामायण जो है जिसका आधार लिया जाता है, ये रामायण क्या है। तो ये रामायण कथा जो है ये कैसी कथा है। पाली साहित्य में विश्वविख्यात जातक कथाओं में दशरथ जातक में रामायण की मूल कहानी संकलित की गई है। जातक कथा में इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी बहन भाई थे। वहाँ दशरथ की राजधानी वाराणसी है, अयोध्या नहीं है। और वहाँ गंगा के किनारे पर बसा हुआ गांव है। इसमें सौतेली माँ अपने बच्चों को मार डालने के डर से राजा दशरथ अपने बच्चों को वनवास में जाने को कहता है। वन से वापस आने के बाद राम का सीता से यानी बहन से ही विवाह होता है। सीता राम की पट्टरानी बनती है। शाक्यों में यह प्रथा तब प्रचलित थी बहन भाई की शादी की। इसके अलावा जैनों का रामायण अलग है, उसमें राम और रावण दोनों जैन मुनि हैं। जातक कथा ये वाल्मीकि के रामायण के पूर्व की है, ये बाद में रामायण लिखा गया है वाल्मीकि ने, ये पुष्यमित्र शुंग के ज़माने में, मनुस्मृति भी तभी जब तैयार हुई। परंपराओं के साथ चली आ रही है लोक कथा प्रारंभ में कुछ हज़ार श्लोकों की थी, 16,000 श्लोक थे महाभारत में, रामायण में भी कम ज़्यादा, मगर बाद में वह बढ़कर रामायण में विस्तारित हुई और कई बदलावों
इसमें होते गए, यानी अलग अलग कथाएं वहाँ जोड़ी गई। तो इस संदर्भ में डॉक्टर रोमिला थापर, ये बहुत बड़ी हिस्टोरियन मानी जाती है इंटरनेशनल, वाल्मीकि ने, वो कहती है कि वाल्मीकि ने निर्माण किया हुआ मूल ग्रंथ कौन सा है यह बात भी निश्चित तौर पर नहीं समझ सकते। इसका कारण यह है कि रामायण की जो कलाकृति आज उपलब्ध है उसमें कई मुद्दे बाद में ब्राह्मणों ने डाले हुए हैं, इसलिए वाल्मीकि द्वारा निर्मित रामायण क्या है यह समझ पाना मुश्किल है। और फिर ये ऐसा क्यों किया पुष्यमित्र शुंग ने, उसका कारण देते हैं, कैसे पुनर्निर्माण हुआ ये अयोध्या का। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का खून करने के बाद धर्म को, बौद्ध धर्म को खत्म करने की शुरुआत की। शुंगकृत प्रतिक्रांति, जिसे बाबा साहब ने काउंटर रेवोल्यूशन कहा है, शुंगकृत प्रतिक्रांति द्वारा बौद्ध विहार, चैत्य स्तूप और भिक्षुओं पर भयंकर अत्याचार किए गए। सभी भिक्षु या तो शहीद हो गए या भूमिगत हो गए। बौद्ध उपासकों के मन में डर का माहौल था, जैसे कि आज है। ऐसे भयानक वातावरण में बौद्ध समर्थकों को बर्बाद कर दिया गया, और उसी दौरान राम की महत्ता बढ़ाने का अवसर बुद्ध विरोधियों को मिला, उनका कोई वाली नहीं रहा। तब किसी बौद्ध द्विष्टा राजा ने साकेत के महत्व को नष्ट करने के लिए उसका नाम बदल कर अयोध्या कर दिया होगा, ऐसा फाउल वार्नर का कहना है। हमने देखा है कि वो जो उपाध्याय जी का नाम दिया है, कौन सी जगह है वो, बिहार में है, अजीब अच्छा नाम है उसका, तो बदल के नाम कर दिया। इधर अकबर का नाम कहीं दिल्ली में बदल दिया, औरंगाबाद का नाम बदल दिया, और अब कहते कि औरंगजेब का भी, औरंगाबाद का भी नाम बदलेंगे। यानी ये कैसा प्रतिक्रांति कैसे होती है, ये जोड़ने के लिए मैं उदाहरण दिए है। ये बौद्ध, ये जो परिक्षेत्र है जिसका अभी आपने प्रश्न किया है कि जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, अयोध्या का भौगोलिक परिक्षेत्र, कनिंगहैम ने अयोध्या में कई जगहों पर खुदाई करवाई, साथ ही इस नगर की भौगोलिक स्थिति और नगर रचना की भी जानकारी हासिल की। इस दौरान उनकी नगर में जो कुछ बातें आई, उनके नज़र में कुछ बातें आई, अयोध्या में अनेक पहाड़ हैं। एक बात ध्यान में रखना, भारत में जहाँ जहाँ भी पहाड़ है, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं अगर उसको खोदोगे तो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे बंते सुरेश ससाई ने मंसर में खुदाई की और वहाँ बौद्धों का विहार मिला। इधर अपना कौन सा शहर है, बिलासपुर के पास बंते जी ने वहाँ भी खुदाई की, वहाँ भी मिले। तो अयोध्या में एक पहाड़ है, शहर के दक्षिण में करीबन आधे मील की दूरी पर मिट्टी के तीन पहाड़ है। यहाँ तीन मस्जिदें थी ना, ये तीनों मंदिर गिलाए हो तो तीन थे वो डोम पहाड़ है। अयोध्या के अवशेषों में सबसे प्राचीन होने की संभावना है, उसको मणि पर्वत, कुबेर पर्वत और सुग्रीव पर्वत नाम दिया है उन्होंने। देखो आए ओरिजिनल बौद्धों के, पर उनके नाम है अभी ये मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, और इन नामों से पहाड़ों को जाना जाता है। इन तीनों पहाड़ों के साथ जिस पहाड़ी पर विवादित बावरी मस्जिद है उस पहाड़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौन कहता है, अलेक्जेंडर कनिंगहैम। बाबरी मस्जिद शहर के ठीक बीचों बीच एक मिट्टी के टीले पर स्थित है, ठीक है। ऊंचाई पूर्व में 20 फीट और पश्चिम में 40 फीट है। मणि पर्वत, इस पहाड़ के बारे में कनिंगहैम कहते हैं कि ब्राह्मणों का ऐसा विश्वास है कि मणि पर्वत बंदरों ने राम की मदद के लिए बनाए हुए पहाड़ों में से एक है। अब देखो ये अयोध्या है यूपी में, और बंदरों ने श्री रामचंद्र प्रभु को मदद की लंका में जाने के लिए, समंदर पे पत्थर रख के, श्री राम रख के सेतु बनाया बोलते हैं। इधर सेतु भी राम का है बोलते हैं, और इधर अयोध्या भी राम की है बोलते हैं, ठीक है। ये इसलिए है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हाँ, बनाए हुए पहाड़ों में से एक है,
किष्किंधा नरेश सुग्रीव के हाथों गलती से गिरकर वह यही पर्वत रह गया। अब देखो वो दवाई लाने को जो गए थे हनुमान जी, हाँ संजीवनी, तो वो तो हनुमान जी गए थे, सुग्रीव तो नहीं गए थे। तो बोले उनके हाथ से पर्वत गिर गया, यानी उधर हनुमान के हाथ से गिरा, इधर सुग्रीव के हाथ से गिरा। आम लोगों की माने तो रामकोट को बनाने का समय के समय को वापस लौटने वाला मजदूर यहाँ अपनी सामग्री झटक कर साफ करने के लिए ये वजह से यहाँ पहाड़ तैयार हुआ। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उनके जो घमेले रहते हैं ना टोकनी, वो लाके वो ऐसे पटकते थे मिट्टी निकालने के लिए, तो उससे बड़े वो पहाड़ बन गया बोले। ठीक है, इसलिए इसे झोआझार या ओराझार इस नाम से जाना जाता है। सुग्रीव की मदद राम को दक्षिण में हुई थी, उत्तर की अयोध्या में नहीं, इसलिए इस कथा का कोई तर्क नहीं बनता। इस पहाड़ के दक्षिण में एक बड़ा पहाड़ है, यह मात्र 8 से 10 फीट ऊंचाई की पर है, मगर गोलाकार है। मणि पर्वत और कुबेर पर्वत, ये दो पर्वतों के बीच एक मुस्लिम परिसर है, जो पीठ 65 फीट लंबा और 47 फीट चौड़ा है। इस विभाग में दो ईंटों के मकबरे हैं। इन मकबरों के बारे में कहा जाता है कि यह सीस और अयूब पैगंबर के हैं। हिंदुओं के जैसे ही मुस्लिम भी कई पुराण कथाओं की चर्चा करते हैं। सीस पैगंबर और अयूब पैगंबर के मकबरों के बारे में बताई जाने वाली कहानियाँ इन बातों का प्रतीक है। इन मकबरों की जगह समय से साथ बढ़ती गई। आईने अकबरी में और अबुल फजल में लिखा है, इस नगर में दो स्मारक है, एक 7 हाथ लंबा और दूसरा 6 हाथ लंबा। आम जनता इसे पैगंबर, सेठ और जाप का मकबरा मानती है। दूसरी तरफ कनिंगहम ने 1863 में इस मकबरों की लंबाई 17 और 12 फीट बताई है। कनिंगहम का यह भी मानना है कि यह मकबरे सीस और पैगंबर के न होकर तुर्की आक्रमण के वक्त मारे गए सिपाहियों के कब्रें हैं। इस्लामी परंपरा के अनुसार उस वक्त मृत सैनिकों को रास्ते के किनारे पर ही दफना दिया जाता था। यानी इसका मतलब साफ है कि इसमें अकबरी में भी इसका उल्लेख नहीं है कि ये राम मंदिर है। और आगे ये मूल मुद्दे पे आते हैं अपन। ये विभाग मणि पर्वत के दक्षिण किनारों को स्पर्श करता है। ये दोनों मकबरे पूर्ववर्ती 4 बुद्ध के आसनों के अवशेष है। इसी जगह तथागत बुद्ध के दंतवन दतौन का पवित्र पेड़ था। भगवान बुद्धा ने दात घासलेले जी काढी होती लिंबाची असेल ती गाडून दिली ओली, तर तिचं झाड बनला होता, त्याचा टूथब्रश म्हणून याचा उल्लेख येतो इथे। आता ह्युएन संघ काय म्हणतात पहा, या झाडासंबंधी म्हणतात, ह्युएन संघ डिस्क्राइब्स ए राईट ऑफ द टूथब्रश ट्री एंड ऑफ द मॉन्युमेंट वेयर 4 प्रीवियस बुद्धा यूज टू सीट एंड टेक एक्सरसाइज एज बींग क्लोज टू द ग्रेट स्तूपा। हाँ, जो खूब मोटा बड़ा विहार है, स्तूप है, उसके किनारे में ये जो जगह है, तो यहाँ 4 बुद्ध बैठते थे और वो एक्सरसाइज किया करते थे, वॉकिंग करते थे। दिस प्लेस आई विल आइडेंटिफाई विद द कोर्ट यार्ड कंटेनिंग द टॉम्ब ऑफ सेठ एंड जॉब विच टचेज द साउथ साइड ऑफ द मणि पर्वत। वो कहते हैं कि इस जगह को मैं इस जगह से जोड़ना चाहूँगा कि जो मणि पर्वत के साथ दोनों तरफ जुड़ जाते हैं, वो बीचों बीच है। दिस टू टॉम्स आई टेक टू बी सीन ऑफ देयर डेली वॉक्स, ऑल्दो आई वॉज अनेबल टू ट्रेस देयर फुट प्रिंट्स विच वेयर सीन बाय द चाइनीज पिलग्रिम। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये जो चलते थे तो इनके कदमों के जो निशान थे मैं नहीं देख सका, जो ह्युएन संघ ने देखे थे। ठीक है, अब अशोक निर्मित स्तूप, अब मूल मुद्दा आ जाएगा। कनिंगहम के अनुसार सम्राट अशोक ने विशाल स्तूप का निर्माण यहाँ करवाया था। कनिंगहम कहते हैं कि स्तूप 200 फीट ऊंचा और साकेत नगरी में निवास के समय तथागत बुद्ध ने जिस जगह धर्मोपदेश किया था उसी जगह पर बनवाया गया था, और वही जगह मणि पर्वत है।
जिसको आज मणि पर्वत कहते हैं, वो जगह वो है, मणि पर्वत की जगह उन्होंने बनाया था। इसकी ऊंचाई अब मात्र 65 फीट रह गई है। उसकी बनावट से उस स्तूप की ऊंचाई इतनी होने की संभावना है। कनिंगहम का कहना है कि यह गलत है, ऐसा मानने के लिए मेरे पास कोई तर्क नहीं है। यह स्तूप आधा मिट्टी का और आधा पक्का होने से यह प्राचीन होने का दावा किया जा सकता है। यह ईस्वीसन पूर्व 5वें शतक पूर्व का होने की संभावना है, यानी इसका मतलब 5वें शतक के पहले का है। क्या कहते हैं वो, दिस मॉन्यूमेंट आई वुड आइडेंटिफाई विद द मणि पर्वत। ये जो भगवान बुद्ध का जो सम्राट अशोक ने बनाया है, इसको मैं मणि पर्वत के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, मणि पर्वत विच इज स्टिल 65 फीट इन हाइट एंड विच इज मैसनरी फेसिंग मस्ट हैव बीन एज हाई अगेन एंड विद द यूजुअल लॉफ्टी पिनाकल ऑफ मेटल मे इजीली हैव रीच्ड हाइट ऑफ 200 फीट। मणि पर्वत को मैं इस टॉप ये टीले के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि जिसको सम्राट अशोक ने 200 फीट बनाया था। अगर हम उसकी ऊंचाई और उन्होंने पिनाकल उसका अगर लगा देखते हैं तो वो 200 फीट का हो सकता है। और आई फर्मली बिलीव दैट इवन द वेरी लेटेस्ट ऑफ द कैनॉट बी असाइन टू ए लोअर डेट देन द 5th century बिफोर क्राइस्ट। येशु ख्रिस्त के पहले 5वीं शताब्दी के पीछे का उसको हम मान नहीं सकते कोई भी हालत में। और फिर वो आगे कहते हैं, इसलिए यह स्तूप बनाया हुआ है इस तरफ वहाँ उपलब्ध ईंटों के टुकड़े और टीले संकेत दिखाई देते हैं। कनिंगहम कहते हैं, ह्यूएनसंग डिस्क्राइब द इरेक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट टू अशोका एंड आई सी नो रीजन टू क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ दिस स्टेटमेंट एज द मिक्सचर ऑफ हाफ अर्थ एंड हाफ मशीनरी मस्ट अनडाउटेडली बी वेरी एंशंट। यानी और ये कहते हैं कि ह्यूएनसंग ने जो कहा कि स्तूपा है, इसको मैं गलत समझ नहीं सकता ऐसे। और इस तरह से जनरल कनिंगहम ने निष्कर्ष निकाला है कि ऊंचे टीले और नीचे के भाग बौद्ध धर्म के प्रारंभिक युग में बनाए गए थे ऐसा सिद्ध करते हैं, परंतु उसका ऊपरी भाग अशोक द्वारा बनवाया गया था। मणि पर्वत के निम्न भाग से कनिंगहम को पुरानी ईंटों का टुकड़ा मिला जिस पर श अति प्राचीन अंकित था, अक्षर अंकित था। वह अशोक काल का था, इसलिए उस ईंट को मणि पर्वत की नहीं मानी जाती। तो इस तरह से हम यहाँ तक के आप पहुँचे हैं कि किस तरह से वो भगवान बुद्ध के उपदेश की जगह थी, किस तरह से वसुबंधु और असंग और वसुबंधु दो पठान भाई रहे थे, ह्यूएन संग वहाँ कैसे गए थे, मैं अपने पूर्वाराम की विशाखा निगार माता ने कैसे वो विहार बनाया था, और किस तरह से वो भगवान बुद्ध के साकेत हो वही अपना अयोध्या बनाया गया था, यहाँ तक के हम यहाँ आए थे। इतना थोड़े से मैं समाप्त करके ये मुद्दा टच करके अपन रुक जाते हैं। बुद्ध के केश और नाखून पर रखे हुए स्तूप पर ही मस्जिद। कनिंगहम कहते हैं, जिस अंतिम स्मारक का ह्यूएन संग ने वर्णन किया है वह बुद्ध के केश और नाखून पर रखे गए थे। ह्यूएन संग के अनुसार यह स्मारक अनेकविध छोटे बड़े स्मारकों से घिरा हुआ था। ये सब आपस में बड़े निकट थे और उनके चारों ओर तालाब भी थे। उन तालाबों के पानी में पवित्र स्मारकों की छाया दिखाई देती थी। जिस पर विवादित मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाई गई, उस पहाड़ की बनावट जहां बुद्ध के केश और नाखून रखे गए थे उस स्तूप के वर्णन से पूरी तरह से मेल खाती है। उस नगर के मध्य भाग में स्थित अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई वह पहाड़ी वही स्तूप होने की ओर संकेत करती है। उस स्तूप को कुबेर पर्वत के से भी कनिंगहम जोड़ते हैं। ह्यूएन संग ने वर्णित किए हुए तालाबों में आज जो गणेश कुंड नामक तालाब से होने की संभावना है, यह कुबेर पर्वत के दक्षिण में स्थित
सेठ और जाब इनके मकबरे के पास नष्ट हुए विहारों के पश्चिम में है। इसी तालाब को हिंदू गणेश कुंड और मुसलमान हुसैन कुंड या फिर इमाम तालाब कहते हैं। विवादित मस्जिद के पास एक नदी की परत भी दिखती है। भूतकाल में यहाँ जलाशय या नदी होने की संभावना है। अब आगे वो कनिंगहम कहते हैं, वन ऑफ द टैंक डिस्क्राइब बाय द पिलग्रिम्स इज गणेश कुंड। ये आ गई बात। जनरल कनिंगहम कहते हैं, बुद्ध के केश और नाखून जहाँ रखे गए उस विहार की अचूक पहचान कराने में मैंने कोई गलती की तो नहीं की है, इसकी निश्चिति करने के लिए उस पहाड़ी के केंद्र भाग पर उत्खनन किया जाए तो मेरे अनुमान की सत्यता निश्चित सत्य हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। इफ़ आई एम राइट इन माई आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस माउंड एज द रिमेन्स ऑफ स्तूपा कंटेनिंग द हेयर एंड नेल्स ऑफ बुद्धा, आई थिंक दैट द एक्सकेवेशन इन द सेंटर ऑफ द माउंड माइट परहैप्स वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ माई कंक्लूजन। कहते हैं कि वो जो माउंड है, टीला है, उसके बीचों बीच अगर आप एक्सकवेशन करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो मेरी बात की सत्यता सिद्ध होगी और वो भगवान बुद्ध का जो स्मार जो बाल और नाखून का ये है वो मिलेगा। तो ये बात उन्होंने सांची में की। सांची का जो स्तूप था उसको बीच में से उन्होंने ड्रिल किया और सारिपुत्र और मोगलान की अस्थियाँ उनको मिली। तो ये यहाँ बात आ गई है। इतने में एक मुद्दा और है कि जो हनुमानगढ़ी या ये मंदिर है ये औरंगजेब के ज़माने के पहले के नहीं हैं, औरंगजेब के ज़माने के बाद के हैं। यानी औरंगजेब कब हुआ? शिवाजी महाराज के ज़माने के, संभाजी महाराज के ज़माने के। तो ये सारे हैं, ये कहाँ कहते हैं ये हम इस तरह तथागत बुद्ध के पवित्र वास्तव्य और अवशेषों पर बनाए गए विहारों का विध्वंस करने का पाप परदेसी मुस्लिमों के आक्रमण पर मर दिया जाता है। इसमें मिली हुई सामग्री ईंटों के साथ पुल मकबरे मस्जिद के लिए ही नहीं तो पूरे नगर और मंदिरों को बनाने में उपयोग में लाई गई, म्हणजे अर्ध शहर हे यांच्या विटावर बनलेला आहे, लाई गई। इसमें विवादित मस्जिद और हनुमानगढ़ी का भी समावेश है। हनुमानगढ़ी हिंदूराज मंदिर। मोर एंशंट टेम्पल्स वेर डिस्ट्रॉयड बाय द मुस्लिम्स, मॉन्यूमेंट्स हैव डिसअपीयर्ड लॉन्ग एगो एज दे अफोर्ड चीप एंड रेडी मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरियस मोहम्मेडन टॉम्स नेबरिंग ब्रिजेस एंड मॉस्क। यानी उसके आगे और कहते हैं, वर्तमान अयोध्या नगर पुराने अवशेष स्थानों के उत्तर पूर्व में 2 मील लंबे, आधे से ज़्यादा चौड़े भाग में विस्तारित है। आधे भाग में घरों का भाग है और आधा भाग विध्वंसित है। उध्वस्त किए गए अवशेषों में स्तूप और पहाड़ नहीं है, टूटे हुए पुतले, कलाकृति से अलंकृत खंभे, यहाँ से बड़ी मात्रा में ईंटें बाकी चीज़ें निकालकर फैजाबाद शहर में कई घर बनाए गए। फैजाबाद शहर में मुस्लिम समुदाय बड़ी मात्रा में है। यह शहर अयोध्या के बौद्ध अवशेषों पर ही तैयार किए गए हैं, ऐसा कनिंगहम कहते हैं। कनिंगहम लिखते हैं, दिस मोहम्मेडन सिटी विच इज 2.5 miles इन लेंथ बाय 1 mile इन ब्रेथ इज बिल्ट चीफली ऑन मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रुइंस ऑफ अयोध्या। म्हणजे अयोध्या के सारे जो अवशेष थे उसका उपयोग करके ये सारे बातें बनी। और आगे मेरे उन्होंने कहा है, प्राचीन बौद्ध स्मारकों का विध्वंस होने के बाद अनेकानेक मंदिर आधुनिक काल में उस जगह बनाए गए। अबे देखो, 12वीं शती के बाद का इन्होंने देखा है, उत्खनन किया है। 12वीं शती के पहले का कोई संबंध नहीं है और ये 12वीं शती के पहले के एविडेंसेस है। यानी हम ओरिजिनल जो वहाँ के मालिक है वो बुद्धिस्ट है और अभी घर मालिक तो अब आउट है। दो किराएदारों का झगड़ा हुआ और उसमें दोनों का फायदा हुआ और ये मालिक आउट ही है। हमारे मराठी में कहावत है, धनी धुरावर न मोकाटा मारेवर। तो वो ऐसे हालत हो गई है। अपनी बात सत्म होते आ रही है। कहते हैं कि मंदिर आधुनिक काल में उस जगह बनाए गए, परंतु औरंगजेब के समय से पहले का एक भी मंदिर
अयोध्या में आज की तारीख में विद्यमान नहीं है। रामकोट और हनुमान गढ़ी नाम से छोटी सी दीवार से घिरे हुए मंदिर प्राचीन टीले पर विद्यमान है। रामकोट मणि पर्वत से संबंधित होते हुए भी और हनुमान गढ़ी भी औरंगजेब के समय पहले का कतई नहीं है। जनरल कनिंगहम लिखते हैं, देर आर सेवरल होली ब्राह्मणिकल टेम्पल्स अबाउट अयोध्या बट दे आर ऑल ऑफ मॉडर्न डेट, आधुनिक समय के। मोस्ट ऑफ देम ऑक्युपाई द साइट्स